हेलो दोस्तों, मेरा नाम रजसैन और आप देख रहे हैं मेरे इफेक्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें और इसके बगल में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इंडिया के कुछ ऐसे घरों के बारे में जो भूतिया हैं। पहला, भानगढ़ किला। भानगढ़ किले के बारे में वास्तविक डरावनी कहानियों की एक संख्या है। इसके डर का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ की आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ने टूरिस्ट को सूर्यास्त के बाद किले के पूर्वोत्तरी इलाकों में मौजूद रहने की चेतावनी दी है। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं, किला भारत में सबसे भूतिया स्थानों की सूची में सबसे ऊपर है। भानगढ़ का किला दुनिया भर में भूतिया होने के लिए जाना जाता है। भारत के सबसे भूतिया स्थान से जुड़ी कहानी के अनुसार तांत्रिक सिंघानिया को राजकुमारी रत्नवती से प्यार हो गया था। उसने उस पर विजय पाने के लिए जादू का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी को उसके बुरी योजनाओं का पता चल गया और उसने उसे मरवाने का आदेश दिया। तांत्रिक के मरने से पहले उसने किले के निवासियों को मारने के लिए श्राप दिया कि गांव वासियों ने हमेशा के लिए छतवहीन रहेंगे। शहर के कुछ गांव छतवहीन हैं। यदि एक छत का निर्माण किया जाता है तो भी ये जल्द ही ढह जाते हैं। दूसरा, ब्रिजराज भवन। ब्रिजराज भवन पैलेस 19वीं शताब्दी की शुरुआत में बना एक पुराना महल और 1980 में एक हेरिटेज होटल के रूप में परिवर्तित हो गया, जो भारत में घूमने के लिए भूतिया स्थानों में से एक है। ये 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा मारे गए मेजर बर्टन के हानि रहित भूत के घर होने का दावा किया जाता है। भारत में इस भूत को महल के गलियारों में चलने की अफवाह है और कभी कभी अपने कब्रों पर सोने वाले गार्ड को थप्पड़ मारते हैं। तीसरा, कुलधरा गांव। एक निर्जा भूत गांव के रूप में जाना जाता है। कुलधरा जैसलमेर के पास स्थित है और 19वीं शताब्दी से इसे छोड़ दिया गया है। इसकी स्थापना 1291 में पलिवाल ब्राह्मणों द्वारा की गई थी, जो अपने व्यापारिक कौशल और कृषि ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। 1825 में एक रात कुलधरा और 83 आसपास के गांवों के सभी लोग अचानक गायब हो गए। लुप्त हो रहे ग्रामीणों का रहस्य काफी पेचीदा है। हालांकि एक कहानी राज्य के मंत्री सलीम सिंह की है, जिन्हें गांव की सरदार की खूबसूरत बेटी से प्यार हो गया। उसने भारी करों के ग्रामीणों को धमकी दी, क्या उन्हें उससे शादी करने में असफल होना चाहिए। गांव के प्रमुख ने पास के 83 गांवों के लोगों के साथ अपने गांवों को छोड़ने का फैसला किया। ये भी कहा जाता है कि ग्रामीणों ने जाने से पहले गांव को श्राप दिया था कि कोई भी व्यक्ति कभी भी भूमि का निवासी नहीं हो सकता है। चौथा, सूरत का डूमस बीच। भारत में सबसे भूतिया स्थानों के बारे में बात ये है कि वे अपने स्वभाव और टोपोलॉजी में बहुत भिन्न हैं। ये माना जाता है कि समुद्र तट को लंबे समय तक एक दपान जमीन के रूप में इस्तेमाल किया गया था और इसलिए कई यातनाग्रस्त आत्माओं का घर है। लोगों ने अन्य लोगों के फुसफुसाहट सुनने की सूचना दी है जब वे समुद्र तट अकेले थे, लेकिन ये रिपोर्ट उनमें से कुछ ही लोगों ने दी है। वे अपने आधी रात को समुद्र तट पर टहलने से कभी नहीं लौटे। ये निसंदेह भारत में सबसे भूतिया स्थानों में से एक है। पांचवा, जीबी ब्लॉक मेरठ। उत्तर भारत के सबसे भूतिया स्थानों में शुमार मेरठ की जीबी ब्लॉक अपने कई भूतों के लिए जाना जाता है। कई स्थानीय लोगों ने भूतों के लाल कपड़े पहने लड़कियों और भूतों को इमारत के बाहर शराब पीते देखा है। हालांकि कोई भी गवाह ये पता नहीं लगा सका कि ये लोग वास्तव में कौन थे। जब भी कोई बहादुर दिल उनके करीब जाने की हिम्मत करता तो भूत गायब हो जाते थे। छठा, दागसाई कब्रिस्तान। भारत में सबसे भूतिया स्थानों में मौजूद सभी भूत बुरे नहीं हैं। ये इसलिए दागसाई लोगों का मानना है। एक कहानी के अनुसार एक ब्रिटिश सेना का अधिकारी की 8 महीने की गर्भवती पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उसे
इसी जगह दफना दिया गया। एक महिला और उसके बच्चे की गोद में एक योगिनी द्वारा रखी जा रही संगमरमर की संरचना को इस कब्रिस्तान में रखा गया था। भारतीय सेना के अधिकारियों की पत्नियों के बीच एक आत्मविश्वास मौजूद है कि कब्र का एक संगमरमर का टुकड़ा उन्हें एक बच्चे के साथ आशीर्वाद देगा। इसे भारत के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है।